नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं आगरा घूमने के लिए, और आज 5 तारीख है, 5 जनवरी, वीरवार का दिन है। तो चलते हैं फिर आगरा। सारे लोग तैयार होके कुछ नीचे जा चुके हैं, कुछ ऊपर ही हैं। चलते हैं फिर। ये हमारी गाड़ी तैयार है जाने के लिए, ऊपर ये लोग भी तैयार हैं। क्या हो गया, क्यों रो रही हो? हैं मम्मी को क्या हो गया दिव्यांश जी? अभी रखते हैं इसमें सामान वामान, फिर चलते हैं। तो दोस्तों गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी चल रही है हमारी, अभी दिल्ली के अंदर ही है। सारे लोग आए हुए हैं, बच्चे बूढ़े और जवान भी। गाइस ये गुरुद्वारा है, बंगला साहब गुरुद्वारा है। हाँ बंगला साहब का ही गुरुद्वारा, बंगला साहब। देखो कितनी भीड़ है, क्या करें गाइस, हम गाड़ी कहीं खड़ी नहीं कर सकते हैं, भीड़ ही नहीं है। देखो गाइस ये चक वो बना रखी है, दिल दिल जैसा साइन कर रखा है, अच्छा लग रहा है। पार्क एक तरह से गाइस यहाँ पे देखो इंडिया गेट है, ये रहा गाइस इंडिया गेट, दिख ही नहीं रहा होगा यहाँ से, ऐसे ऐसे आपको दिख नहीं रहा होगा। दोस्तों अब हम लोग प्रगति मैदान की पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, और जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो यहीं पास में ही है। ये वकीलों के पोस्टर लगे हुए हैं, ये आ गया है। गाड़ियां भी उल्टी सीधी फंसा देते हैं, जाम लगने का सबसे बड़ा कारण इनका ही है। देखो बगैर मतलब में गाड़ी फंसा रखी है। ये सराय काली खां आरटीओ वाला रोड है, प्रगति मैदान के लिए पार्किंग के लिए भी जा सकते हैं। अभी हम लोग अंडरपास में जाएंगे, ये क्रॉस करके फिर आगे रास्ता मिलेगा हमें अक्षरधाम मंदिर से जाएंगे। देखो गाइस ये अंदर गाड़ी चल रही है, उसमें अपना जो टर्नल बनाया है उसके अंदर है, कितना अच्छा व्यू है इसका। ये देखो साइड से दोस्तों, कितना बढ़िया है ये, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। सारी ये जो साइड में सीनरी वगैरह बनाई है बहुत अच्छी बनाई हुई है, जाम लगा हुआ है अक्षरधाम मंदिर, और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, देखने लायक मंदिर है ये। दिखाते हैं आपको इसका व्यू पूरा, जूम करके दिखा दीजिए।
गाइस बहुत बड़ी जगह है ये, दूसरे फ्लाईओवर से सामने पार्किंग की जगह मिली। देखो गाइस हम जा रहे हैं गांव, और ये देखो क्या हो रहा है, पार्टी हो रही है सोने की। यमुना एक्सप्रेस वे अभी अब थोड़ा सा कुछ खाने पीने की जुगाड़ देखते हैं, भूख लग रही है। हाफ प्लेट मतलब ये मिर्च हाफ प्लेट, लड्डू कितने आएंगे हाफ प्लेट में? हाफ प्लेट में 8 पीस और मिर्च अलग से 10 की। 10 की? 10 की एक महंगी नहीं है? भाई ये लड्डू सिक रहे हैं, इसको खाएंगे। और वो गए हैं कचौड़ी लेने, सबके अलग अलग स्वाद हैं। और ये हम हैं, वो गाड़ी खड़ी हुई है। कहाँ जा रहा है दोस्तों? ये मिर्चें ली हैं और ये लिया हुआ है कचौड़ी, कचौड़ी ली है। अब इनको खाते हैं फिर चलते हैं आगे। सारे खा रहे हैं अपना अपना सामान, ये रोने में मस्त हैं। खा लो खा लो भाई खा लो। ओ पापा ओ पापा। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है, अब चलते हैं आगे सफर। ये एंट्री पॉइंट है उसका, यमुना एक्सप्रेसवे का। यहाँ पे देखो ये आइसक्रीम वगैरह भी मिल जाती है। इसने सही ध्यान दिलवा दिया, फास्ट टैग में पैसे डलवा रहे हैं, डाल ले। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस पे। देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है, यमुना एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। तो हमारा स्वागत हो चुका है, अब हम इस पे गाड़ी चलाने की स्पीड पकड़ेंगे। अभी हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। धीरे धीरे ये स्पीड बढ़ती बढ़ती 100 तक पहुंच जाएगी। उसके बाद इस रोड पर इससे ज़्यादा स्पीड चलाने के लिए ऑर्डर नहीं है। दोस्तों मिलते हैं आपसे, इस पे एक रोड पे ढाबा पड़ेगा, शिवा ढाबा। चलो ठीक है गाइस, पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं, डीजल खत्म हो गया था। हाँ हाँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डाल लो, वैसे नॉर्मल नहीं है तो फिर आगे डालो, फिर उसमें आगे वाला तो एक्स्ट्रा महंगा भी तो होगा। प्यांसी दिव्यांशी पुच्छू डीजल डल गया है। ए दिव्यांशी, तो दोस्तों हम लोग आए हैं शिवा ढाबा पे खाना खाने के लिए। प्लेट वगैरह लग चुकी हैं, रायता आ चुका है, सलाद आ चुका है और ऑर्डर भी आने वाला है। माता
पनीर की सब्जी आ चुकी है, दाल आ चुकी है और ये नान आ चुके हैं। ये स्वाति हैं, मुंह धोकर तैयार बैठी हैं खाने के लिए। दोस्तों खाना खा लिया है, दिव्यांशी देखो कहाँ चढ़ गई है ऊपर गाड़ी पे। उतरो नीचे, उतरो, चलो उतरो, छत गई, चलो चलो उतरो। खाना वाना खा लिया है, अब चलते हैं आगे। गाइस रात हो गई है पूरी और अभी हम हाईवे पे हैं, अभी पहुंचे नहीं है, अभी हाईवे पे ही चल रहे हैं। अब देखो कब पहुंचते हैं घर पे। दोस्तों अब आगरा हम लोग एंट्री कर गए हैं और काफी अंधेरा हो गया है, चलते हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। देखो दोस्तों कितना बढ़िया नजारा है, कोहरे की वजह से लाइट जल रही है उसमें, कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। और ये अब टोल आने वाला है, देखो दोस्तों क्या बढ़िया नजारा है, रात का नजारा। अरे रोड तो बता तो दिया, आगरा में हम लोग एंट्री ले चुके हैं, दिखा आगे सामने लिखा भी है आगरा विकास प्राधिकरण आपका स्वागत करता है। अरे भाई खड़ा भी नहीं है, फास्टैग इसमें फास्टैग नहीं चलेगा, ओनली कैश कैश और जो तो है। दोस्तों सारे लोग गाड़ी में बैठे हुए, कोई भी उतर के नीचे नहीं गया क्योंकि बाहर वो पड़ रही है धुंध कोहरा, तो सारे गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। दिव्यांशी सो गई है, कहाँ सोई पड़ी है, ये पड़ी है दिव्यांशी और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चल रहे हैं गांव जा रहे हैं हम अपने काफी दिनों बाद आगरा। दोस्तों अब हम ये लखनऊ एक्सप्रेस वे पे ऊपर जाने वाले हैं, यहीं से रास्ता कटता है ये, ये सीधा लखनऊ जाता है। रास्ते में इटावा, सैफई, करैल और काफी सारे जगह पड़ती हैं। ये हमारे अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने बनवाया था, आज हम इस पे यात्रा कर रहे हैं। समय और टाइम की बचत है, समय और टाइम तो एक ही हो गया, पेट्रोल की बचत है। ले ले बॉम बॉम। और ये हमने गाड़ी को ओवरटेक कर लिया है बस के साथ, बस वाला और ये हम गाड़ी चला रहे हैं स्पीड से, स्पीड भी अभी 100 के ऊपर पहुंचने वाली है। 100 तो है ही नहीं, देखो भाई झूठ नहीं बोलता मैं। हाँ तो बस अब इतने 100 पे चल रही है ना, और टाइम देखो 6:20, और ये देहाती क्षेत्र है तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा ज्यादा लग रहा है, शहर में तो खैर 6 बजे तो कोई टाइम नहीं होता है। अब ये देहाती क्षेत्र है, देखो सारे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, इधर भी देखो मेरी तरफ रोशनी है। तो दोस्तों अब हम इटावा में आ चुके हैं, इटावा शहर में, और अभी यहाँ से और लगेगा आधा घंटा और अब पहुँच चुके हैं। दिव्यांशी भी सो के जग गई है, उसका दूध भरा जा रहा है, दूध खत्म हो रहा था,
दिव्यांशी हाय करो, हाय करो, बाय करो। बुबू आ गया तुम्हारा। बुबू बुबू पियोगी? नहीं पिएंगी, नहीं पिएंगी, बुबू नहीं पिएंगी। दिव्यांशी बुबू नहीं पिएंगी, दिव्यांशी बुबू नहीं पिएंगी। पापा के छात खेलेंगी, गाड़ी चलाएंगी। गाड़ी चलाओगी? गाड़ी चलाओगी? है दिव्यांशी ठीक है दोस्तों। तो गाइज अब घर पे आ गए हैं और सर्दी लगी, देखो सारे ताप रहे हैं, सारे खड़े हैं, वो मम्मी खड़ी हैं, तो ये सारे बैठे हैं। नीशु भी है, स्वाति भी है, शालिनी है, सारे लोग हैं। दिव्यांशी तो भाई अपने खेलने में मस्त हैं। वो देखो वो लगी, वो देखो वो गई, वो गई, वो पीछे पीछे। अब गांव में आ गए, लाइट वाइट है, तो फिर अब आपको कैसा लगा दिल्ली से और इटावा तक हमारा सफर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कल गांव में और क्या क्या करते हैं, घर दिखाएंगे हम आपको अपना कल। ठीक है दोस्तों, बाय।